आज है जी दोपहर भाई की बारात। जी चारों भाई माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, चेक करें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिया खान और आप देख रहे हैं द न्यू व्लॉग्स। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है जी दोपहर भाई की बारात, तो ये ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने लगा है। तो आपने ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना है, ख़ास तौर पे हमारे लिए, क्योंकि हम चारों भाई जो हैं सेम ड्रेसिंग कर रहे हैं। और सेम ड्रेसिंग आपको पता है वेडिंग्स में बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, सब बहुत पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम सब भाई बहुत प्यारे लगने लगे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रात को मेहंदी से लेट वापसी होने की वजह से हम सुबह भी लेट उठे हैं, इसकी वजह से भी हमें हर काम जल्दी जल्दी करना होगा ताकि हम टाइम पे बारात के साथ पहुंच सकें और बारात के साथ टाइम पे जो मार्की है उधर पहुंच सकें। तो अभी जल्दी से नाश्ता करते हैं और सही से फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद रेडी होते हैं। एक छोटी माजरत भी आप सबसे करनी थी कि शादी में गैप ना होने की वजह से मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो ये है कि भाई अब रात को मेहंदी का व्लॉग मैंने बनाया है, हम 2 बजे वापस आए हैं और इतनी शदीद नींद आई थी मैं व्लॉग एडिट ही नहीं कर सका। अभी जैसे ही सुबह उठाऊँ तो साथ ही बारात के लिए रेडी होकर बारात के लिए जाना है। तो इसी वजह से जो सारे शादी के व्लॉग्स आ रहे हैं वो एक एक दिन बाद आएंगे, लेट आएंगे थोड़ा। इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा मैं साथ ही एडिट करके पोस्ट कर दूंगा, इस चीज़ के लिए माजरत। अभी आपको चेक करवाता हूँ जी आज की हमारी ड्रेसिंग। और ये जो मेरी ड्रेसिंग है ये बाकी तीनों भाइयों की है, रुमान की, अली भाई की और हामिद भाई की, माशाल्लाह। इस आउट चले भाई, अब बारी आती है रेडी होने की। शलवार कमीज पहनते हैं, वेस्टकोट पहनते हैं, शूज चेंज करते हैं, सब कुछ। जैन भाई शलवार कमीज मैंने पहन ली है, अब इसके ऊपर पहनी हमने वाइट वेस्ट कोट। ये चेक करें भाई, चलें भाई 3 2 1 गो। चलें भाई रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रेडी हो चुका हूँ, रुमान भी और हामिद भाई गए हैं बाल बनवाने, मैं और रुमान भी जा रहे हैं बाल बनवाने के लिए। वेस्टकोट मैंने उतार दिए क्योंकि वाइट कलर है, बाहर मिट्टी पड़ती है तो फिर ख़राब हो जाती है। चलते हैं अब, शॉप पे आ चुके हैं, अभी बनवाते हैं हेयर स्टाइल जल्दी से और फिर निकलते हैं, चेक करते हैं कैसा बनता है हेयर स्टाइल हमारा। हेयर स्टाइल डन हो चुका है, अब चलते हैं घर, काफ़ी लेट हो गया हम तो निकलते हैं। अल्लाह जी चारों भाई माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, चेक करें माशाल्लाह तीनों कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी हम निकलने लगे हैं, फैमिली जो है हमारी सब जा चुकी है, सिर्फ हम चारों भाई रहते हैं। माशाल्लाह दयाल भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं, हम सब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए। निकलते हैं अब, खैर खैरियत से फूफो के घर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं और सबको मिलते हैं और फिर निकलते हैं बारात के साथ। बारात टोटली रेडी हो चुकी है और अब मैं आपको चेक करवाता हूँ बारात किस में जाने लगी है। अस्सलाम
हाल भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। और मेरी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आज आप, बताएं जबरदस्त। थैंक यू सो मच। सारे कजन आ चुके हैं, बिलाल भाई, खोकर साहब, साथ उबैर और उमैर। आज तो बारात भी जा रही है स्वाति की गाड़ी में, माशाल्लाह बारात की चस्सी और होगी आज। करें भाई, साथ साथ टिकटॉक्स भी बन रही हैं। चला जी, लेट हो गया। बारात निकलने लगी अभी, बारात के बिल्कुल साथ साथ हमने जाना है मार्की तक। मार्की पहुंच चुके हैं, अब एंट्रेंस की वीडियो बनेगी जबरदस्त सी। स्लो स्लो बारात आई है, मजे से।
लगता है जैसे आपने अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया, इतने पैसे फेंके हैं, वो थक गए थे उठा उठा के। मैंने उधार मांगे स्विस अकाउंट से। अली भाई काम के लिए आए हैं। मैं छुपा हूं इसलिए नाचे हैं। फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर बबलू वो देख, बबलू वो देख, मोहम्मद किस में बैठ गया है? हां यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिए, बहुत ही आउट क्लास खाना दिया और चिकन पकौड़ा था, फिश थी, चावल थे, नान थे, सालन था, साथ कोल्ड ड्रिंक थी, बहुत ही मजे का खाना था। क्यों जी? एक मसला था थोड़ा सा, गर्मी थी, गर्मी थी लेकिन थोड़ा कुछ फिर भी नहीं है, गजब बेइज्जती है। अभी हम बाहर गए थे खाना खाने के बाद, थोड़ा सा फोटो शूट किया, अब जा रहे हैं, जा रहे हैं दूल्हे भाई के पास, दूल्हे भाई के साथ फोटो शूट करेंगे और कोई थंबनेल कैप्चर करेंगे। यस, दूल्हे मियां ऑलरेडी बिजी हैं पिक्चर्स लेने में। इधर चेक करें भाई, टिकटॉक्स, ओए होए हो, टिकटॉक्स क्या बात है, ओहो ये शेर मेरे सारे रुख्सती का टाइम हो चुका है, हम जा रहे हैं लेडीज साइड पे, दुल्हन को लेंगे और फिर चलेंगे घर। और आवाज हो रही है जी कुछ, तो पैसे मांग रहे हैं, वो कहते हैं 50,000। क्या 50,000? फाइनली जगह मिल गई है, अहमद आराम से हमारे भतीजे सत्तर का डब्बा। अरे खो, दुल्हन घर आ चुकी है, दो स्टेप्स हो जाएं। दुल्हन बैठ चुकी है गाड़ी में, अभी निकलेंगे घर की तरफ सारे, और उधर जाके जो शुगर मिला होगा। मार्केट से निकल आए हैं, हैवी ड्राइवर्स के साथ हम आए हैं, और जगह थोड़ी तंग है, कुछ खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, वो भी तंग, लेकिन हैवी ड्राइवर्स जो है वो खुले बैठे हुए हैं। जी लेजेंड्स ने रेस लगा ली है, 740 गाड़ी, बिलाल भी चला रहे हैं। यार टर्बो नहीं लग रहा आज मेरा, यार टर्बो नहीं लग रहा, टर्बो जल्दी करें ना, टर्बो नहीं लग रहा मेरा। एक जगह पर हमने स्टे कर लिए क्योंकि सारे एक साथ इकट्ठे होंगे फिर निकलेंगे। लग गई है जी रेस, लग गई है जी, उस्मान भाई आपका कब दिन आएगा, आपका दिन कब आएगा, हैं आपका दिन कब आएगा, मेरी अगली बारी है क्या? फाइनली घर पहुंच चुके हैं, अभी होगा दुल्हन की एंट्री और दुल्हन को हम वेलकम करेंगे सारे मिलके, फूल पत्तियां भी मैंने आपको दिखाई हैं वो दुल्हन के ऊपर फेंकेंगे और होगा भंगड़ा। हम सब कजन बैठे थे, मैंने कहा व्लॉग को इधर ही एंड कर देते हैं। जुबैर भाई माशाल्लाह मेहंदी भी बहुत अच्छी हुई है, बारात भी बहुत अच्छी हुई है, अल्लाह पाक आपकी जोड़ी को सलामत रखे, आमीन आमीन। सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद होगा, अगर व्लॉग पसंद है व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।